नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में सभी को फ्री में लगेगा बूस्टर डोज, 18-60 आयु वर्ग वालों का खर्च उठाएगी राज्य सरकार, अब सीधे चुने जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर। जी हां, बिहार में कोरोना का बूस्टर डोज भी पूरी तरह फ्री होगा, किसी को इसके लिए कोई राशि नहीं चुकानी होगी। 60 प्लस वालों को जहां केंद्र सरकार फ्री में बूस्टर डोज लगवा रही है, वहीं अब 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के बूस्टर डोज का खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। राज्य के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों के साथ इसे स्वीकृति दी है। सरकार की तरफ से बूस्टर डोज का अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ रुपए तय किया गया है। इनमें से खर्च की पहले किस्त 583.43 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, सम्राट अशोक की जयंती अब राज के समारोह। जी हां, नीतीश कैबिनेट ने कल कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य के अंदर 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का फैसला किया है। अब मुंगेर और पूर्वी चंपारण में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार की तरफ से 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है। साथ ही एक और बड़ा फैसला करते हुए नीतीश सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती को राज्य के समारोह के रूप में मनाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है। अब सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में राज्य के समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में फिर 1 लाख पार होगी कोरोना की जांच, सीएम के अलर्ट के बाद अब जांच बढ़ाने की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग में हाई लेवल बैठक। जी हां, बिहार में कोरोना की चौथी लहर की तैयारी पर हाई लेवल बैठक चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का मंथन चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के अलर्ट के बाद अब जाँच को फिर 1 लाख पार ले जाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग में जाँच बढ़ाने से लेकर कोरोना से निपटने की कई बड़ी प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में एक दिन में 70 से 80 हजार लोगों की कोरोना की जा रही है। इसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ सामान्य लोग भी शामिल है। ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है जो बाहर से आ रहे हैं। देश में चौथी लहर की आशंका को लेकर दहशत है, इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में अलर्ट की बात कही है। सीएम के इस आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की हाई लेवल की बैठक में कोरोना को लेकर योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका में जाँच और वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, वाहन मालिकों की मौत के बाद गाड़ी का ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा, कार्रवाई की तैयारी में विभाग। जी हां, बिहार के परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा, ऐसा किए बिना गाड़ी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना ट्रांसफर कराए बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसी गाड़ियां जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है उनका निबंधन भी रद्द कराना होगा। बड़ी खबर, अब 7 दिन चलेगी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, कोरोना काल में रेलवे ने कर दिया था बंद, कटिहार टाटा नगर के भी बढ़ाए गए फेरे। जी हां, पटना से हटिया के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब डेली चलेगी। इस ट्रेन को 7 दिन चलाने की घोषणा रेलवे ने सोमवार को ही कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने पुष्टि की है, 19 अप्रैल से यह ट्रेन डेली हटिया के लिए चलेगी। वहीं कटिहार और टाटा नगर के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 28181 और 28182 एक्सप्रेस ट्रेन का फेरा भी बढ़ा दिया गया है। मंगलवार से ट्रेन भी हफ्ते में 3 दिन चलेगी, टाटा नगर से हर बुधवार, शनिवार व रविवार को कटिहार के लिए चलेगी, जबकि कटिहार से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार टाटा नगर के लिए रवाना होगी। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी कार्यालय में नहीं चलेगी लेट से आना जाना, जून महीने से बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी। जी हां, बिहार में सरकारी कर्मियों की अब लेट से आना जाना नहीं चलेगी। सरकारी कार्यालय में देर से आने और समय से पहले निकल जाने की जो शिकायत मिलती है उसे दूर करने के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी को समय से कार्यालय आना होगा। देर से कार्यालय आना उन्हें महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार समय से कार्यालय नहीं आने वाले कर्मियों को अब एक क्लिक पर पहचान लेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू
लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की इस व्यवस्था को प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी 1 जून से लागू किया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के 7 जिलों में चली हीट वेव, अगले 2 दिनों में आंधी पानी के आसार। जी हां, बिहार के उत्तरी पूर्वी जिले में मंगलवार को ठंडका के साथ आंधी पानी के आसार है। ऐसे हालात 21 अप्रैल तक बने रहेंगे। हालांकि मंगलवार को भी दक्षिणी मध्य और पश्चिमी बिहार में चल रही पछुआ की हवा से लू प्रभावी रहेगा। हालांकि इसमें कुछ कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि कुछ दिन बाद लू के एक बार फिर शुरू होने का पूर्वानुमान है। IMD रिपोर्ट के मुताबिक सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी आदि जिले में अगले 3 दिन तेज हवा के साथ हल्की बारिश की आशंका है। इस इलाके में चल रही पूर्वैया की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। पूर्वैया के जोर पकड़ने के उत्तरी पूर्वी बिहार के निकटवर्ती भागों में गर्म हवा का प्रकोप काफी हद तक कम महसूस किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पटना के लोगों पर महंगाई की मार, 30% तक बढ़ सकता है ऑटो और बस का किराया। जी हां, बिहार राजधानी पटना के लोगों पर महंगाई की मार एक बार फिर से पड़ सकती है। दरअसल पेट्रोल, CNG और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच यहां ऑटो रिक्शा और बस किराए में 30% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका लग सकता है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन सोमवार को इसका प्रस्ताव देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करी है। आपको बता दें कि अगर ऑटो रिक्शा और बसों के किराए में वास्तव में 30% की वृद्धि की जाती है तो एक यात्री को गांधी मैदान से रेलवे स्टेशन जाने के लिए 13 रुपये और पटना के गांधी मैदान से दानापुर जाने के लिए 39 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अभी गांधी मैदान से पटना जंक्शन का वर्तमान किराया 10 रुपये और गांधी मैदान से दानापुर का किराया 30 रुपये है। दूसरे रूट पर भी इसी के तहत यात्री किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में बेरोजगार भत्ता योजना के तहत इंटर पास युवाओं को हर महीने रुपये देती है सरकार, ऐसे करे आवेदन। जी हां, बिहार में बेरोजगार युवाओं की मुश्किल सरकार की योजना से दूर हो रही है। सरकार ऐसे युवाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देती है। इस राशि का इस्तेमाल बेरोजगार युवा रोजगार शुरू करने के दौरान अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हैं। इसके लिए उनके रोजगार या नौकरी की तलाश करना आसान हो जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसे आप घर बैठे सहज सुविधा केंद्र या साइबर कैफे के जरिए पूरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने के लिए सरकार की निर्धारित वेबसाइट 7nischayyuvaupmission.bihar.government.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7nischay ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदक के मोबाइल और ईमेल पर भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें काउंसिलिंग के लिए जिला रोजगार निबंधन केंद्र पर बुलाया जाता है। अगली बड़ी खबर, 5 मई से शुरू होगी मैट्रिक के कंपार्टमेंटल, 2 पालियों में होगा एग्जाम। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत आयोजित होने वाले मैट्रिक व इंटर की मुख्य परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिनका रिजल्ट भी खराब हो गया है, वे परीक्षार्थी भी इस परीक्षा को दे सकेंगे। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा 5 मई से प्रारंभ होंगे और 9 मई तक इसका आयोजन होगा, जबकि इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार 296 पदों पर करेगी बहाली, सबसे अधिक MTS और कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट। जी राज्य के 33 आयोजना क्षेत्र यानी प्लानिंग एरिया के काम में तेजी आएगी। आयोजना क्षेत्र के विकास के लिए काम करने को लेकर आयोजना प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसके लिए संविदा पर बहाली की जाएगी। इसमें ड्राफ्ट मैन, भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ, आमीन, IT मैनेजर आदि शामिल है। करीब 296 पदों पर संविदा बहाली होगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग निजी एजेंसी की सेवाएं ले रहा है। इस पर विभाग को सालाना 8.15 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना होगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार का गिफ्ट, अब 15 की जगह 23 बीमारियों के इलाज का खर्च होगा वापस, लिस्ट में शामिल हुए 8 रोग। जी बिहार सरकार के सरकारी अधिकारी एवं कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज करना आसान हो गया है। अब 15 के स्थान पर 23 रोगों के इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार द्वारा समिति से प्राप्त अनुशंसा पर विचार करने के बाद पहले से शामिल 15 रोगों के अलावा और 8 रोगों को चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें रोमेटिक गठिया, क्रोन रोग, अतिगल ग्रंथिदा, लाइकेन प्लानस, मस्तिष्क पक्षाघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रोग शामिल है।
बड़ी खबर, बिजली संकट के आसार। बिहार, झारखंड और यूपी में कोयले की किल्लत। 30 बिजली घरों में स्टॉक क्रिटिकल। जहां देश के कई राज्यों में समय से पहले भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में तेजी वृद्धि हुई है, इसके कारण थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत तेजी से बढ़ रही है। यूपी, बिहार, झारखंड के बिजली संयंत्रों में भी स्टॉक घटने लगा है। कोल इंडिया के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 30 बिजली संयंत्र में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल श्रेणी में आया, यानी यहां 7 दिन से कम का कोयला बचा है। स्थिति नहीं सुधरी तो यहां सुपर क्रिटिकल यानी 3 दिन से कम श्रेणी में आ जाएगा। वहीं सूत्रों ने बताया कि कोयला संकट से निपटने और बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को खदानों के पास वाले संयंत्रों के लिए लिंकेज कोल पर 25% टोलिंग सुविधा देगी। इसके तहत आयातित कोयले में देश कोयला मिलाते हैं। आयातित कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। जी हां, TMBO में स्नातक सत्र 2022-25 में विवादों के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एजेंसी का दावा है कि पोर्टल पूरी तरह से छात्रों के लिए खुल गया है। छात्र उसमें जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह की दिक्कत होने पर हेल्प डेस्क से भी बात कर आवेदन और पेमेंट की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने 23 अप्रैल तक आवेदन की अनुमति दी है, इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, दिल्ली में जॉब करने का बेहतरीन मौका, जल्दी करें अप्लाई। DTC में 357 वैकेंसी, ₹46,000 सैलरी, ना रिटेन ना इंटरव्यू, मेरिट पर होगा सिलेक्शन। जी हां, युवाओं के लिए दिल्ली में जॉब करने का बेहतरीन मौका है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले दिल्ली परिवहन निगम ने 300 से ज्यादा पदों पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगे हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट फोरमैन के 357 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट dtc.delhi.government.in पर बताए गए तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। DTC के इन पदों पर केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में बूस्टर डोज फ्री करने से सबसे ज्यादा फायदा किससे मिलेगा, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।